नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयु शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बवासीर में कैसा एनिमल लेना चाहिए इसके विषय में बात करूँगी, लेकिन पहले ये जान लें कि बवासीर होती क्यों है, इसका कारण क्या है। तो बवासीर होने का मूल कारण तो है कब्ज। जब कब्ज की शिकायत रहने लगती है तो ही बवासीर की शिकायत आती है, मेल हो या फीमेल या बच्चे। जिन्हें भी कब्ज की शिकायत होती है और वो टॉयलेट में बैठ करके जब प्रेशर लगाते हैं तो गुदा वाली भाग की जो नसें हैं उनमें सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और बवासीर की शिकायत रहने लगती है। बवासीर आम तौर पे तो दो ही प्रकार की होती है, बादी बवासीर और खूनी बवासीर, लेकिन कभी कभी मिश्रित बवासीर भी दिखाई देती है जिसमें बादी बवासीर और खूनी बवासीर दोनों तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो बादी बवासीर में अंदर सूजन हो जाती है, गुदा के अंदर सूजन आ जाती है और मस्से हो जाते हैं, और खूनी बवासीर में गुदा के अंदर घाव हो जाते हैं, स्किन डेलिकेट हो जाती है, जब मल पास होता है तो मल के साथ में ब्लड भी आने लग जाता है। बवासीर में मल त्याग के समय असहनीय दर्द होता है, इसलिए बवासीर में हमें मिर्च मसालों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिनको बवासीर हो गई है उन्हें मिर्च मसाले तो बिल्कुल खाने ही नहीं चाहिए और नमक और मीठे का प्रयोग भी बंद कर देना चाहिए। बवासीर में मल त्याग के बाद भी बहुत देर तक दर्द बना रहता है, व्यक्ति बहुत देर तक सामान्य नहीं हो पाता, काफ़ी देर तक उसे दर्द का एहसास होता रहता है। तो बवासीर से छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक ऐसा एनिमल लेना बताऊंगी जो बवासीर के दर्द से छुटकारा दिलाएगा और मोशन बिल्कुल आपको इजीली पास हो जाएगा। आगे की बात करें, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैं आपको बताऊंगी जिनको खूनी बवासीर हो उनको कैसा एनिमा लेना चाहिए, किस तरह से एनिमा लेना चाहिए, और जिनको ब्लीडिंग पाइल्स है और मल के साथ जिन्हें ब्लड आता रहता है तो उनके लिए ये तेल वाला एनिमा दिया जाता है। तो इस तेल वाला एनिमा देने के लिए एक आप ये देख रहे होंगे, एक सिरिंज देख रहे होंगे, ये 60 ml की सिरिंज है और हमें 50 ml ऑयल का यूज़ करना है। और 50 ml ऑयल का यूज़ करने के लिए एक ये छोटी सी एनिमा ट्यूब आती है, आप बिल्कुल पतली ट्यूब है ये, और ये 8 नंबर की ट्यूब होती है। तो इस 8 नंबर की ट्यूब को हमें यहाँ से काट लेना है, क्योंकि अगर हम इतनी लंबी ट्यूब इसके साथ आगे लगाएंगे तो ऑयल जाने में टाइम लगेगा। तो इसको हमें यहाँ से काट लेना है, जैसे अभी मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। ये आप ये तेल देख रहे हैं, पहले हम इस सिरिंज से इसमें 50 ml तेल भर लेंगे। तो ये 50 ml तेल मैंने इसमें भर लिया है। तो अब इसके आगे हम जो ट्यूब काटी थी वो उस ट्यूब को हम इसके आगे लगा देंगे, और ये पतली ट्यूब हमने इसलिए ली है कि ये सिरिंज पर आराम से चढ़ सके, और काटा हमने इसको इसलिए है कि जिससे तेल इससे आराम से अंदर चला जाए। अब हम इसके आगे से हमने इसको 2.5 inch के करीब चिकना कर लिया है और इसको अंदर जब एनल में इंसर्ट कर देंगे तो तब फिर हमें इसे इस तरह से दबा करके धीरे धीरे तेल को अंदर पहुंचाना है। आप देख रहे होंगे तेल धीरे, जैसे मैंने इसको दबाना शुरू करा और तेल आप देख रहे होंगे, ये जैसे मैंने इसे दबाना शुरू करा तो इसमें से तेल आना शुरू हो गया। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप, इसमें से तेल आना शुरू हो गया। इस तरह से हमें ये पूरा तेल अपने एनल वाले पार्ट में पहुंचाना है, इस तरह से, इस तरह से धीरे धीरे प्रेस करते रहेंगे और ये पूरा तेल हमें अपने एनल वाले पार्ट में डालना है। अब आप देख रहे होंगे ये पूरा तेल ख़त्म हो गया है। तो इस तरह से पूरा तेल हमें अपने एनल वाले पार्ट में डालना है, गुदा में पहुंचाना है। जब ये पूरा तेल गुदा में पहुंच जाए तो उसके बाद हम या तो 100 ml वाली सिरिंज ले लें, तो उसमें पूरा 100 ml हमें उसके बाद पानी भी अंदर पहुंचाना है। तो 100 ml पानी के लिए ये सिरिंज छोटी है, आप 100 ml वाली सिरिंज ले लीजिएगा और उसमें हल्का गर्म पानी डाल लें आप, और इसी तरह से इसी ट्यूब से उसको अंदर धीरे धीरे, जैसे मैंने अभी तेल पहुँचाया है इसी तरह से धीरे धीरे पानी को भी अंदर पहुंचा लें। और ये काम आपको सोने से पहले करना है, क्योंकि हमें इस एनिमा को लेने के बाद इसको रोक करके रखना है पूरी रात के लिए। ये तेल और पानी हमारी
गुदा के अंदर पड़ा रहेगा। जब आप सुबह उठेंगे तब मोशन जाएंगे। जब रात भर ये पानी और तेल गुदा के अंदर गुदा वाले पार्ट में पड़ा रहेगा, कॉलन वाले पार्ट में पड़ा रहेगा, तो वहाँ जो मल है ये उसको ढीला कर देगा। और जब सुबह मोशन के लिए आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। और चिकना होने की वजह से और पानी होने की वजह से मल बिल्कुल फूल जाएगा और गुदा से आराम से निकल जाएगा और आपको कोई कष्ट नहीं होगा, ना आपको ब्लीडिंग होगा। तो कम से कम जब तक आपको ब्लीडिंग की दिक्कत रहे 15 दिन तक आप इसको रोज़ाना करें। तो जब आप 15 दिन रोज़ाना करेंगे तो ये दिक्कत आपकी हमेशा के लिए ठीक होने लग जाएगी। और जब आप एनिमा ले लें तो इसको गर्म पानी से साबुन से वॉश करके रख लें, नेक्स्ट डे के लिए फिर यूज़ कर लें और इसको भी साफ़ करके रख दें ताकि ये चिपकी चिपकी सी ना हो जाए। और इसके अलावा एक और छोटी सी चिकित्सा है जो ब्लीडिंग पाइल्स में बहुत काम आती है, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। उसके लिए हमें ठंडा कंडीशनर लेना है। जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है, गुदा वाला पार्ट है, उसको हमें ठंडे पानी में डिप करके रखना है। तो आप उसके लिए घर में कोई एक कपड़े धोने वाला टब भी ले सकते हैं। तो उसमें नीचे वाले पार्ट को कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए रोज़ाना डिप करके रखें। पहले 5 मिनट रखें, फिर धीरे धीरे उसे 10 मिनट तक ले आएँ। और वैसे मैं आपके पास एक वीडियो डाल दूँगी जिसे आप आराम से देख करके कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो चूंकि प्रोफेशनल टब होते हैं तो मैं तो आपको उसी में दिखाऊंगी, लेकिन अगर आप ख़रीद सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो आप घर में जो टब होते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हैं। वो भी ब्लीडिंग पाइल्स को बहुत जल्दी समाप्त करता है, क्योंकि जब ठंडे पानी में रोज़ाना बैठते हैं तो हमारी आंतें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं। तो जब आंतें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं तो कठोर मल भी अगर पास हो जाता है तो उसको भी वो झेल जाती हैं। लेकिन आप ठंडा कंडीशनर भी यूज़ करें और साथ में जो मैंने अभी आपको एनिमा लेना बताया है इसका भी इस्तेमाल करें तो आपको बवासीर से छुटकारा मिल जाएगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। मुझे उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।